भारत जोड़ो यात्रा का जो मैसेजिंग है उसमें सबसे पहले ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि आपको आपकी कोई ऐसी चीज है जो टूटी है। ये सवाल जब आप खुद से पूछेंगे तो इसका जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा में हम क्या जोड़ने के लिए निकले हैं। मेरे ख्याल से कोई भी नौजवान इस देश का जिसके पास सारी डिग्रियां हैं, वो इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है, पीएचडी किया है, तमाम टेक्निकल एजुकेशन लेने के बावजूद जब वो अपना सीवी लेकर के जाता है और नौकरी नहीं मिलती है, तब उम्मीदें टूटती हैं उस नौजवान की, उस नौजवान के गर्लफ्रेंड की या बॉयफ्रेंड की, उसके माँ बाप की, उसके दोस्तों की। और ये जो उम्मीदें टूट रही हैं ना बेरोजगारी के चलते, उस उम्मीद को जोड़ने के लिए हम निकले हैं। जब आपको ये खबर आती है या आप कोई वीडियो देखते हैं कि किसी इंसान को उसके पहचान के चलते, चाहे तिलक देखकर या टोपी देखकर, उसके साथ मारपीट की जा रही है, उसकी टांगे तोड़ दी गई है, तब आपका दिल टूटता है। उस टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए निकले हैं। इसमें हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने इस देश को और कांग्रेस पार्टी ने ज्योग्राफिकली भारत को जोड़ दिया है, और जब भी उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है तो कांग्रेस पार्टी के नेता मजबूती से उसको निपटते हैं। कल हम लोग इंदिरा जी को याद करेंगे, चाहे जान गंवानी पड़ जाए, जमीन जो देश से जुड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी को रहते हुए उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। लेकिन जो ज्योग्राफिकली हमारा देश इकट्ठा है, वो इमोशनली भी इकट्ठा रहे। इमोशनली इकट्ठा होने का मतलब है कि हमारे पहचान के आधार पे, हमारे विचार के आधार पे, हमारे जिंदगी जीने के तौर तरीके के आधार पर, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर, हमारी भाषा बोली के आधार पर कोई हमको बांट ना सके। और हम ये देखते हैं कि भारत में आज की तारीख में गरीब लगातार गरीब हो रहा है, और गरीबों की संपत्ति लूट करके दो चार लोगों को मजबूत बनाया जा रहा है। तो यह जो अमीरी गरीबी की खाई है, उस खाई को हम पाटना चाहते हैं। जिस तरीके से आज स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रहे हैं, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लाखों पोस्ट जो है वो सरकारी क्षेत्रों में खाली पड़े हुए हैं, वैकेंसीज हैं, उस उम्मीद को हम जोड़ना चाहते हैं। देश के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार राजनीतिक कल्चर ऐसा बनता जा रहा है कि अपने विरोधियों को चुप कराया जाता है। और यह सवाल बार बार लोग पूछते थे, विपक्ष कहाँ है? जो लोग देखना चाहते हैं आंख में सूरमा लगा करके देख लें, विपक्ष सड़कों पे खड़ा है। कांग्रेस पार्टी पहले भी लड़ रही थी, लेकिन हमारा मैसेज नहीं पहुंच रहा था लोगों तक। तो पार्टी ने यह तय किया कि हम लोगों तक पहुंचेंगे सीधे, बिना किसी सोशल मीडिया या मीडिया के। वो रहे, उनका समर्थन जितना मिलना है वो मिले, लेकिन हम सीधे लोगों तक पहुंचेंगे, जैसे महात्मा गांधी सीधे लोगों तक पहुंचते थे। आज राहुल जी सीधे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये सवाल आज कोई भी ईमानदारी से समझ सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका सड़कों पे निभा रही है, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी निभा रही है। कई बार यह कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है, यहाँ तेलंगाना में भी यह कन्फ्यूजन है कि बीजेपी से कौन लड़ेगा। अव्वल तो बीजेपी से लड़ने का क्या मतलब है? अगर बीजेपी से लड़ने का मतलब उसकी ही विचारधारा पे चलना है, तो फिर वो कोई लड़ाई नहीं है। उसको कहते हैं हमारे यहाँ कि सूडो बॉक्सिंग हो रहा है। दिन में बॉक्सिंग करेंगे, मीडिया स्टूडियो में बैठ करके बॉक्सिंग करेंगे, और शाम में पैग लड़ाएंगे, तुम तुम्हारा, हम हमारा, इधर का बैग उधर, उधर का बैग इधर। ये कोई लड़ाई नहीं है, विचारधारात्मक लड़ाई होती है। और इस देश में ये विचारधारात्मक लड़ाई है गोडसे और गांधी के बीच में। और इस देश ने हमेशा गांधी को चुना है, आज भी गांधी को चुनना पड़ेगा। और यह बात मैं आपसे ईमानदारी से साझा करना चाहता हूँ, जो राहुल जी के बारे में परसेप्शन बनाया गया लाखों करोड़ों खर्च करके, और उस परसेप्शन के चलते जो हमारे दोस्त थे, जो उनके धूर विरोधी हुआ करते थे, वो फोन करके कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। ये परसेप्शन इतनी जल्दी बदलनी शुरू हो गई है, इसीलिए सत्ता में बैठे हुए लोगों की खलबलाहट है। और वो भारत जोड़ो यात्रा किस लिए हो रहा है इस पे नहीं बात कर रहे हैं,
जूता पे बात कर रहे हैं, टी शर्ट पे बात कर रहे हैं, कंटेनर पे बात कर रहे हैं, तो उनको जूता टी शर्ट कंटेनर पे बात करने दीजिए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब आज हमारी भारत यात्रा पांचवें राज्य में पहुंची है, 1300 से ज्यादा किलोमीटर जब हम चल चुके हैं, हजारों लाखों करोड़ों आंखों और चेहरों को जब हम पढ़ रहे हैं, तो एक बात हम आपको कह सकते हैं विश्वास के साथ, उदयपुर राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जिसको हम कहते हैं उदयपुर डिक्लेरेशन, ये निर्णय लिया कि हम भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, तब वो निर्णय कांग्रेस पार्टी के नेताओं का निर्णय था। जब यात्रा की तैयारी होने लगी तब वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की यात्रा थी। आज जब हम पांचवें राज्य में आपके सामने बैठ करके बोल रहे हैं, आत्मविश्वास से बात कहते हैं कि ये यात्रा कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से आगे बढ़ करके आज के डेट में ये यात्रा देश की यात्रा बन चुकी है, देश के लोगों की यात्रा बन चुकी है, उनके उम्मीदों की यात्रा बन चुकी है। और इस यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तमाम उद्देश्य इसमें एक साथ निहित है। यह देश जिस तरह से जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से भी हमारा देश इकट्ठा रहे, इस यात्रा का उद्देश्य है। आप सब लोग आए, हमको सुने, हमारे जो है नेताओं को आप सुन रहे हैं, उनको कवर कर रहे हैं, इसके लिए एक बार फिर से प्रेस के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।